हेलो दोस्तों, मैं अभिनय बागुल स्वागत करता हूँ आपका ईसीबी पर्क्यूशन में। आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि SPD 20 Pro में करंट का प्रॉब्लम है, करंट का इश्यू है या नहीं। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पे है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि SPD 20 Pro में करंट नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर आ रहा है तो उसके कारण क्या क्या होंगे और उसका निवारण कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये निश्चित करना है कि जहाँ से आप करंट लेते हैं या सप्लाई लेते हैं ऑक्टोपैड के लिए, वो सही है या नहीं। ये सप्लाई बोर्ड है मेरे पास, सबसे पहले इसका सप्लाई चेक करते हैं। देखिए, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे करंट है, यानी कि ये सही है। सारे स्लॉट चेक कर लेते हैं। अभी करंट आ रहा है नहीं, आपको कैसे चेक करना है? पहले है ये एडाप्टर जो है, यहाँ पे मैंने लगा दिया और ऑन कर दिया। SPD 20 Pro का एडाप्टर है। जैसे ही अगर एडाप्टर अगर प्रॉब्लम दे रहा हो तो एडाप्टर लीक है या नहीं आपको ये चेक करना है। इसकी वजह से भी इसमें करंट आ सकता है, तो पहले हम इसे चेक करेंगे। देखिए, कोई करंट नहीं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे करंट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे करंट होना ही चाहिए, नहीं तो ऑक्टोपैड ऑन कैसे होगा? ये टिप पे नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, साइड में आता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब एडाप्टर भी ठीक है, वायर को कहीं भी करंट नहीं है। ठीक है, ये केबल इसे लगा देते हैं यहाँ पे। ऑक्टोपैड को लगा दिया है, अभी से ऑन करते हैं। ये ऑन हो चुका है, तो ये देखते हैं अभी ऑक्टोपैड को करंट आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कहीं भी करंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए, क्योंकि ये जैक है, इसको निकाल देंगे। देखिए, स्क्रू को भी नहीं है। अगर ऑक्टोपैड में करंट होता तो ये स्क्रू में भी आता। ये हेडफोन जैक है एक्सटेंशन, ये भी 12 वोल्ट DC है, ये भी हानिकारक नहीं है बॉडी के लिए। अभी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है अंदर डालने के बाद। स्क्रू में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आप देखिए, ये हाथ से दिखा था आपको, नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, कभी भी ऑक्टोपैड में जो करंट होता है ना, पहले वो स्क्रू में आता है, तो ये कहीं पे भी करंट नहीं है। ये पिन में 12 वोल्ट DC का करंट है, साइड में पॉजिटिव और सेंटर में नेगेटिव। ये कोई बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, इसे करंट नहीं बैठता। देखिए आप,
उस वीडियो में रबर को भी करंट आ रहा था। देखिए देखिए, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो करंट नहीं है, और किस सिचुएशन में करंट आता है मैं आपको बता दूं। अगर आपका सप्लाई बोर्ड ठीक नहीं होगा, वहाँ से करंट लीक है, या तो अगर ये एडाप्टर है इसमें करंट आ रहा है तो ऑक्टोपैड में करंट आ सकता है, या तो हम जब ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं वो जनरेटर सप्लाई होता है वो अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो आ सकता है। करंट आता है, मेरे पास 20 भी है, हैंडसोनिक भी, हैंडसोनिक के जो स्क्रूज़ है यहाँ पे रहते हैं साइड में, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे माइल्ड सा करंट आता है। और ये जो आप करंट देख रहे हैं वो 12 वोल्ट का होता है, वो कोई हानिकारक नहीं है। आप स्टेज पे माइक्रोफोन यूज़ करते, कभी कभी अगर सप्लाई बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ जाए, तो गाते गाते आपके होठों को एक छोटी सी झंझनाहट सी होती है, वो उसके कारण होती है वोल्टेज बढ़ने से, पर वो हानिकारक नहीं है। पर अगर शूट होता है, इसके अलावा भी अगर आपके ऑक्टोपैड में करंट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जो सप्लाई होता है अंदर, उसकी वायर अगर लीक होके यहाँ पे कई बॉडी को टच कर रही है तो ही वो करंट आ सकता है। इसके अलावा ऑक्टोपैड में करंट आता नहीं है, और रोलैंड, रोलैंड तो बिल्ड क्वालिटी के लिए माना जाता है, इसलिए वो करंट नहीं आ सकता मेरे 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 हिसाब से। और इसके अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑक्टोपैड लिया है, SPD-20 Pro, कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने हाल ही में ही ऑक्टोपैड परचेस किया है, 12 से 15 मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने पहले कंफर्म किया है, तो किसी के भी ऑक्टोपैड में करंट नहीं आ रहा है। और इसके अलावा भी आपके ऑक्टोपैड में करंट आ रहा है तो आप कंपनी को या तो सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करें और उसका जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो आप स्टेबलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, UPS यूज़ कर सकते हैं, पर ऑक्टोपैड में करंट मोस्टली आता नहीं है। अगर आता है परचेस करने के बाद वारंटी में हो तो आप वो पीस रिप्लेस कर लीजिए, या तो फिर सर्विस सेंटर को दिखा दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।